कुक विद राम जिम में आपका स्वागत है। सूजी का उपमा बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए, बिल्कुल दाना दाना खिला हुआ बना हुआ है। उपमा बनाने लिए मैं सूजी ली है, मोटी थोड़ी सूजी, दानेदार सूजी है। एक कटोरी मैंने ली है और फ्रेश करी पत्ता है 8-10 पीस मैंने लिए हैं। ये मूंगफली है, इसके छिलके वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। एक छोटा टमाटर को बहुत मैंने बारीक काट लिया है। एक छोटा प्याज है, अदरक है तो उसको भी बारीक काट लिया है। और एक हरी मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। सूजी मैंने लिया था एक कटोरी, तो वही हिसाब से मैंने 1.5 कटोरी जो पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। सूजी को भूनने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दिया, तो इसमें जो डाल के हाथ का इसको भूनूंगा। कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज ना हो। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। सूजी जो है वो भुन चुकी है, काफी हद तक हो गई है, इसका अच्छा खुशबू भी आने लगा है, तो इसका फ्लेम गैस को बंद कर देता हूँ। उधर पानी भी उबलने लगा है, तो इसको भी अभी बंद कर देता हूँ। मैं भी इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई रख ली है और 1 चम्मच बड्डा ऑयल का डाल दिया है। इसको ऑयल गर्म हो गया है। जो मूंगफली है, मूंगफली इसमें डाल के पहले इसको रोस्ट करेंगे। मूंगफली को मूंगफली हो गई है रोस्ट, इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेता हूँ। जो मैंने थोड़ी सी सरसों दी है, सरसों जो थोड़ा साफ जीरा, इनको थोड़ा पकाता हूँ। अब जो करी पत्ता था और जो कटे हुए हरे प्याज है, इनको पूरा नहीं पकाऊंगा, बस थोड़ा पकाना प्याज को। और जो अदरक है और हरी मिर्च है, इनका भी सबका थोड़ा कच्चापन निकाल देता हूँ। टमाटर जो है वो भी दाल के साथ में भी निकाल देता हूँ। एक नमक लिया है, नमक अपने आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम ज्यादा, मैंने ज्यादा नमक नहीं डाला। टमाटर थोड़े पतले हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, बस थोड़ा सा इसको और पकाऊंगा टमाटर को। टमाटर भी अच्छी तरह से हो गए हैं सॉफ्ट, तो अभी जो पानी उबाल के रखा है वो इसमें पानी उबलने लगा है, तो अभी सूजी थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगा।
भी पक गया है, जो मूंगफली रोस्ट करके रखा था वो भी इसमें अभी मिला दूंगा। दो चम्मच देसी घी इसमें डाल दूंगा, खुशबू के लिए जरा थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले मैंने सूजी में अभी देसी घी नहीं डाला था, तो इसके लिए अभी थोड़ा देसी घी दो चम्मच डाल दिया है। बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको निकाल के एक प्लेट में डाल लेता हूँ। बिल्कुल खिला खिला बना है। बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल खिला खिला है, देखिए तो बिल्कुल बहुत अच्छा दिखने में है। तो आप भी अपने घर में इसी तरह बनाने की ट्राई कर सकते हैं। अगर ये मेरा रेसिपी तुम पसंद आना है, लाइक करना, शेयर करना, तो मेरे चैनल नो सब्सक्राइब भी जरूर करना, तो बेल का बटन भी जरूर दबा देना, ताकि मैं अगे तो और जो भी वीडियो बनावा उसका नोटिफिकेशन भी तुहानू मिलता रहे।